पास. कल कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, कुछ तो इमरजेंसी आया था, उसकी वजह से हम लोग को पैंगोंग से वापस ले आना पड़ा. इसके लिए आज मैं और अमृता वापस ले से टैक्सी करके न्यूबरा के लिए जा रहे हैं. या तो न्यूबरा जाने के टाइम पहले आपको दो चेक पोस्ट आता है, एक है साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल. तो वहाँ पे आपको परमिट दिखाना पड़ता है, इनलाइन परमिट. और उसके बाद आता है खरदुंगला पास, इन दोनों के बीच में, जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड. सो का बाइक का प्लान तो नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है अभी देखते हैं. बट अभी आज हम लोग मैं आपको दिखाऊंगा खरदुंगला पास और नुब्रा वैली. हम लोग लेह से जस्ट निकला है थोड़ा टाइम पहले, आधा घंटा पहले. हम लोग का प्लान है कि हम लोग दोपहर के 3-4 बजे तक नुब्रा वैली पहुँच सकते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे कैमल राइड एंड ऑल एवरीथिंग है. और हम लोग का बाकी का ग्रुप पैंगोंग से नुब्रा डायरेक्टली पहुँचने वाला है, तो हम लोग उनको वहाँ पे मिलेंगे. रीच्ड एट साउथ पुलू चेक पोस्ट. हमारा ड्राइवर अभी वहाँ पे जाके हमारा इनलाइन परमिट दिखा देगा, तब तक मैं जाके कुछ स्नैक्स और पानी वगैरह ले लेता हूँ. यहाँ से कुछ आगे 19 किलोमीटर्स खरदुंगला पास है. आ गए हम लोग पूरे वर्ल्ड के टॉप मोटरेबल रोड पे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड. बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, लेकिन जब मैं पिछली बार आया था ना, तो ये पूरा माउंटेन पूरा बर्फ से ढका हुआ था. इस बार बहुत कम है बर्फ. यहाँ पे एक मेडिकल सर्विस सेंटर भी है, तो और वहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है कि आप 20 मिनट के ऊपर नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है. तो आप ज़्यादा रुकोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होके आप बीमार गिर सकते हो. तो जितना हो सके 10-15 मिनट में फ़ोटो वगैरह निकाल के डिसेंट चालू करो. It's an awesome feeling here. यहाँ ऊपर एक टेम्पल है, आप वहाँ पे जाके आ सकते हो, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पे चढ़ने तक ही आपकी फट जाएगी. तो हम तो नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे रिटर्न. चलो, मेरा हाथ पूरा नम होने लगा है. तो हम लोग का फोटो सेशन तो हो गया है, चलते हैं अभी गाड़ी में और जाते हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन नुब्रा. के बीच में एडवेंचर. एंड हियर वी आर एट नॉर्थ पुलू. यहाँ पे दूसरा जो परमिट है वो दिखाना रहता है. यहाँ से कुछ आगे 1.5-2 घंटा लगेगा नुब्रा के लिए. उससे पहले आएगा डिस्क्रीट, वहाँ पे है वो बुद्धा का बड़ा स्टैचू 25 फुट का. देखते चलो भी निकलते आगे, थोड़ा जाके हम लोग मैगी वगैरह खा लेंगे. Call for a lunch. Look at the location. आगे 1-1.5 घंटा ही बचा है नुब्रा के लिए. विल हैव अ मैगी, चीज़ मैगी.
are you feeling? Good. Good. Kardungla mein bahut zyada thandi badh gaya tha kyunki wahan pe wo sunlight aata nahi hai nahi aur hawa zor se chalta hai iske liye log bhi maggi khate hain aur nikalte hain with the maggi and tea. Acha lag raha hai, I'm feeling fresh. Chalo aage ki journey ko jaate hain abhi. अभी हम लोग डिस्किट विलेज पहुंचे. यहाँ पे बुद्धा का 30 फुट का कुछ एक आइडल है. अभी हम लोग रुक नहीं पा रहे बिकॉज हम लोग को इट्स ऑलरेडी 5:30, तो हम लोग को बहुत जल्दी न्यूबरा पहुंचना है. वहाँ पे जाके ज़रा एक्टिविटी करने मिलेगा, तो वो आइडल का इमेज मैं अभी आपको दिखाता हूँ. ये देखो, ये थे फोटोज मेरे लास्ट ट्रिप से जब मैं ले आया था दोस्तों के साथ. तो आई एम सॉरी अभी नहीं दिखा पाया क्योंकि हम लोग पहुंचना है अभी बहुत जल्दी. चलो चलते हैं आगे. कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है लगता है, वो वहाँ पे जाना है हम लोग को. सामने दिख रहा है लेकिन ये देखो कितना बड़ा लाइन लगा है गाड़ियों का. नॉट गुड यार, नॉट गुड. पहुँच जाते थे 10 मिनट में, पता नहीं अभी ये किस वजह से ट्रैफिक है और कितना टाइम लगेगा. चलो तब तक फोटो खींचते हैं यहाँ पे. एंड फाइनली वी मेड इट टू द हुंडर सैंड ड्यून्स. हम लोग जहाँ पे वो ट्रैफिक में फंसे थे वहीं पे हम लोग को सब लोग मिल गए और उसके बाद मैं बाइक ले लिया वापस. चलो अभी अंदर जाते हैं. एक्टिविटीज़ होता है लाइक कैमल राइडिंग जिसका 15 मिनट का 200 रुपये लेते हैं, और फिर बो एंड एरो का कुछ रहता है, फिर वो उनका लोकल जो ड्रेसेस रहता है वो पहन के आपको फ़ोटो निकालना रहेगा तो वो कर सकते हो आप, और दो तीन स्पोर्ट्स और गेम्स है छोटे मोटे, तो आप टाइम पास तो हो सकता है. और देखो अभी 7:15 बजे फिर भी उजाला देखो. हिमालय और ये हमारे टेंट्स न्यूबरा. The wonderful view and the awesome climate. ज़्यादा ठंडी है नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हल्का सा ठंडा है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं. अब बेयरेबल है कि इतना ज़्यादा ऐसा सब कुछ पहन के घूमने की ज़रूरत नहीं है. तो या आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए घूमते रहो, घुमाते रहो एंड हैव फन इन योर लाइफ गाइज. चलो मिलते हैं, बाय.